हेलो एवरीवन, आई एम विनय रजोरिया एंड आई एम सो ग्लैड यू आर बैक ऑन माय चैनल। तो मुझे उम्मीद है आप लोग ठीक से रहे होंगे। और आज हमारी बातों के सिलसिले में जो चल रही थी, हम राइटर्स के बारे में पढ़ रहे थे। तो आज जिस राइटर, जिस थिंकर, जिस पॉलिटिकल फिलोसोफर, साइकोलॉजिस्ट, साइकाइट्रिस्ट और मार्क्सिस्ट रेवोल्यूशनरी इंसान के बारे में आज मैं बात करूंगा और मैं बेताब हूं उनके बारे में बात करने के लिए, उनका नाम है फ्रांस फैनॉन। और मैं फ्रांस फैनॉन की खास तौर पर एक किताब के कंटेक्स्ट में आज बात करना चाहता हूं, जो कि उनकी सेमिनल टेक्स्ट है, ब्लैक स्किन एंड व्हाइट मास, विच वॉज पब्लिश्ड इन 1952 व्हेन ही वॉज मेयरली 27 ईयर्स ओल्ड, जिसके अंदर फैनॉन ने अपने साइकोलॉजिकल एनालिसिस ऑफ रेसिज्म प्रेजेंट किया है, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। इवन दो उनकी दूसरी किताब द रेटेड ऑफ द अर्थ, जो उन्होंने अपने जीवन काल के अंतिम दौर में लिखी, वो भी इक्वली इंपॉर्टेंट है उनके राइटिंग कॉर्पस को समझने के लिए, उनकी फिलोसफी, उनकी पॉलिटिकल फिलोसफी को खासतौर पर, स्पेशली इन कंटेक्स्ट टू हिज आइडियाज अबाउट रेसिज्म, अबाउट डीकोलोनाइजेशन। बट वील टेक दैट बुक इन सम अदर वीडियो सम अदर टाइम, बट फॉर टुडे वील बी फोकसिंग ऑन ब्लैक स्किन व्हाइट मास इन दिस लेक्चर। एंड यू विल सी द बुक द ब्लैक स्किन एंड व्हाइट मास इज नॉट सच अ थिक बुक, बहुत मोटी किताब नहीं है, इट्स अ मॉडेस्ट वॉल्यूम विच यू कैन रीड लाइक इन 2-3 डेज। बट आप सारी किताब, आई सजेस्ट कि आप सारे ही एसेस पढ़ लीजिए उसमें से फैनॉन के। बट इवन इफ यू कांट, देन आई विल सजेस्ट दैट कम से कम आप इंट्रोडक्शन, फर्स्ट चैप्टर एंड द लास्ट चैप्टर, विच इज द कंक्लूडिंग चैप्टर इन विच यू नो फैनॉन presents his ideas about the universalization, a different kind of realm which he imagines, the kind of idealized world he imagines for what lies ahead. आगे solution क्या है, कैसे blacks और whites के बीच के अंदर solution कैसे निकलेंगे वो उसमें, तो I'll suggest वो पढ़ने। Moreover, I would suggest you to read this book because it is very readable in the sense that you know the language of Fanon, it is very simple and lucid and easy to read. मैं ये मानता हूँ कि अक्सर academics क्या करते हैं, academic जो writing होती है वो इतनी ज़रा dense, इतनी abstract, इतनी जटिल होती है कि सच में कुछ पल्ले नहीं पड़ता, लगता है कि इतने ज्यादा जार्गनिस्टिक वर्ड्स है, इतनी कठिन फ्रेजेस बना रखे हैं कि जो रीडर है वो एक दो पैराग्राफ पढ़ने के बाद उसे लगता है भैया कुछ समझ नहीं आ रहा, एंड इट इज वेरी डिफिकल्ट, तो वो अनअप्रोचेबल हो जाती है। तो अक्सर ये होता है और ये ठीक भी है कि जो एकेडेमिक्स लिखते हैं तो वो एकेडेमिक्स को ही दिमाग में रखकर लिखते हैं, लाइक एकेडेमिक्स राइटिंग फॉर एकेडेमिक्स, दे आर नॉट मेंट फॉर द एवरीडे पीपल। तो इसलिए आम इंसान तो उनको भैया किताबी कीड़ा ही कहने लगता है, किताबी ज्ञान ही समझने लगता है। तो आपको ये भी देखना है कि फैनॉन ऐसे नहीं है, फैनॉन का जब आप राइटिंग स्टाइल पढ़ेंगे जैसे ब्लैक स्किन व्हाइट मास, तो इट इज अ वेरी रीडेबल टेक्स्ट, द लैंग्वेज इज वेरी सिंपल और आपको बहुत जल्दी समझ में आने लगता है, बहुत ज्यादा कठिन नहीं है। हाँ, बहुत सिंपलिस्टिक भी नहीं है लाइक रीडिंग एनी अदर यू नो पॉप फिक्शन बुक और वेरी सिंपल रीडर, इट्स नॉट लाइक दैट, इट इज वेरी यू नो इंटेलेक्चुअल इन दैट सेंस, बट इट इज वेरी यू नो अप्रोचेबल इंटेलेक्चुअल बुक, बहुत आसानी से आप उसको समझ पाते हैं। ये इसलिए भी अच्छा लगता है फैनॉन को पढ़ना, मैं आपको सजेस्ट करूंगा, बिकॉज ही हैज अ वेरी डीप सेंस ऑफ ह्यूमर, बहुत फनी राइटिंग है फैनॉन का, जो सेंस ऑफ ह्यूमर है वो बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत विटी है, सटायरिक है, तंज है उसके अंदर, एक बहुत खूबसूरत तरीके से वो पॉइंट आउट करते हैं अपने ही मार्टिनिकी के लोगों को, किस तरह से वो जो वाइट की नकल करते हैं, जो गोरों की नकल करते हैं, फ्रेंच लोगों को इमिटेट करते हैं, तो किस तरह की एब्सर्ड और हिलेरियस सिचुएशंस बनती है। तो फैनॉन हैज दैट सेंस ऑफ ह्यूमर इन हिज राइटिंग, जो उसकी राइटिंग को बहुत इंटरेस्टिंग बनाता है। रीड द एक्चुअल टेक्स्ट, नॉट जस्ट द कमेंट्रीज, बट एंगेज विद द प्राइम। इस वीडियो के अंदर द चैप्टर विच आई विल बी फोकसिंग ऑन इज द फर्स्ट चैप्टर विच इज कॉल्ड द ब्लैक मैन एंड द लैंग्वेज, विच इज ऑफ ग्रेट फैसिनेशन टू मी बिकॉज आई एम अ स्टूडेंट ऑफ लिटरेचर और लिटरेरी स्टडीज के अंदर इस एसे को ज्यादा रेफर करते हैं, बिकॉज इट टॉक्स अबाउट यू नो फैनॉन इस एसे के अंदर बात करते हैं कैसे लैंग्वेज एक बोन ऑफ कंटेंशन बन जाती है बिटवीन द कॉलोनाइजर एंड द कॉलोनाइज्ड। आई मीन हम We live in India which was once a colonized nation and we see how English language का क्या दबदबा है, English की क्या value है, किस तरह से just because you speak English you are looked at, आपको रेवर किया जाता है, आपकी अपनी ही इज्जत होने लगती है, इंग्लिश भाषा का जो दबदबा है हमारे समाज में। अगर आपको ये सब टॉपिक्स पर बात करें तो फैनॉन becomes a very significant and seminal thinker in this regard. So आप देखेंगे पहला जो चैप्टर है द ब्लैक मैन एंड द लैंग्वेज, उसके अंदर फैनॉन टॉक्स अबाउट हाउ द फ्रेंच पीपल, द फ्रेंच कॉलोनाइजर्स। आपको ये बात याद रखने, जब हम फैनॉन की बात कर रहे हैं तो जो कॉलोनाइजर यूज हो रहा है वर्ड, इवन दो इज जनरली फॉर ऑल द यूरोपियन कॉलोनाइजर और द अमेरिकन कॉलोनाइजर, बट जब फ्रांस फैनॉन यूज करते हैं कॉलोनाइजर वर्ड, तो ही इज टॉकिंग स्पेसिफिकली अबाउट द फ्रेंच कॉलोनाइजर्स, बिकॉज सी फ्रांस फैनॉन कहां पैदा हुआ है, ही हैज बीन बोर्न इन द करेबियन आइलैंड्स ऑफ मार्टिनिक नाम का एक आइलैंड है, करेबियन आइलैंड्स, जो एक फ्रेंच कॉलोनी थी और काफी समय तक कॉलोनी रही भी, और जिस समय फ्रांस फैनॉन वहां पैदा हुए तो वो एक कॉलोनाइज्ड देश में ही पैदा हुए हैं, तो ही सफर्ड द यू नो द पेरिल्स ऑफ फ्रेंच
कॉलोनाइजेशन, तो वो उस कंटेक्स्ट में अपने अनुभवों से लिख रहे हैं, अपने एक्सपीरियंसेस से लिखा है जो उन्होंने कहां देखे थे, मार्टिनिक आइलैंड पर देखे थे जब फ्रांस लोगों ने उस पर कब्जा कर रखा था। बाद में वो फ्रांस गए, लियोन नाम का एक शहर है फ्रांस के अंदर, वहां उन्होंने साइकोलॉजी की पढ़ाई की, मेडिसिन की पढ़ाई की, तब भी उन्होंने वो रेसिज्म देखा, वो रेसिज्म का दुख झेला, वो डिस्क्रिमिनेशन देखी, तो उन्होंने अपने अनुभवों से लिखा है। तो इस एसे के अंदर जो पहला एसे है, इन दिस ही टॉक्स अबाउट हाउ लैंग्वेज बिकम्स अ वेरी सिग्निफिकेंट यू नो डिफरेंस, अ सोर्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। लैंग्वेज सिर्फ लोगों को जोड़ती नहीं है, आप ये देखिएगा, हम अक्सर लगता है कि कोई भाषा अगर मेरी बोलता है तो मैं उससे जुड़ जाता हूँ, एक सेंस ऑफ फेमिलियरिटी है। लैंग्वेज लोगों को साथ लाती है, यूनिफाइंग फोर्स है। ठीक है, एक पल के लिए हो सकता है, पर आपको ये भी समझना जरूरी है कि भाषा लोगों को बांटती भी है। जैसे मिसाल के तौर पर मानिए कि आप एक हिंदुस्तानी हैं, आप जर्मनी चले गए किसी काम की वजह से, जर्मनी के अंदर आपके अलावा कोई आपकी भाषा बोलता नहीं है, लेकिन वहीं पर जर्मनी में इत्तफाकन आप कहीं गए और आपने सुना कि कोई लता मंगेशकर के गाने सुन रहा है, कोई गालिब का शेर पढ़ रहा है, या कोई हिंदी की किताब पढ़ रहा है जो आपकी जबान है, अगर आपने उसको सुन लिया तो आप एक सेंस ऑफ आइडेंटिफिकेशन करोगे और आपको सुकून मिलेगा कि कम से कम मेरे वतन का कोई मिल गया। यहां पर आपकी भाषा जो है वो आपको ज्वाइन कर रही है, यानी यूनाइट कर रही है, सेंस ऑफ सॉलिडैरिटी की भावना पैदा कर रही है। तो यहाँ तो भाषा पॉजिटिव नजर आती है कि वो लोगों को जोड़ने का काम करती है। अब आ जाइए भारत के अंदर, कहाँ जहाँ भाषा बांटने का काम ज्यादा करती है। अब हमारे स्टेट्स में भी देख सकते हैं, एक डिबेट का टॉपिक रहता है, लैंग्वेज डिवाइड कर देती है, खासतौर पर तब जब हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने का मुद्दा बनने लगता है, तो आप देखेंगे लैंग्वेज डिवाइड क्रिएट करती है। मैं आपको एक सीधी सी मिसाल देता हूँ, मान लीजिए कि इंसान मैकडोनल्ड्स गया, मैकडोनल्ड्स जाता है, वहां पर वो बंदा उससे इंग्लिश में पूछने लगे, आपने कुछ ऑर्डर दिया, वो सामने वाला बंदा कहता है सर वुड यू लाइक टू हैव इट हियर और टेक इट अवे, अब एकदम से उसने अंग्रेजी जब बोलने लगे, आपकी भाषा अंग्रेजी नहीं है मादरी जबान, उसने एकदम से इंग्लिश में बोला, तो आप सेंस ऑफ डिफरेंस फील करने लगते हो कि किसी ऐसे इंसान से बात कर रहा है, इसने ऐसी कोई बात बोली है जिससे मैं बहुत रिलेट नहीं करता, एक सेंस ऑफ बैरियर बन गया, लैंग्वेज ने एक बैरियर क्रिएट कर दिया, क्योंकि उसने एक तो इतनी जल्दी और इतनी इंग्लिश, उसने इंग्लिश में बात किया है कि आप उससे आइडेंटिफाई नहीं कर पाते। यहां आपको डिफरेंस महसूस होता है कि मैं वो इंसान नहीं हूं, या तो मुझे एक्टिंग करनी पड़ती है, और लोग एक्टिंग के अंदर मैंने कई बार दफा देखा मैकडॉनल्ड्स में, कहीं आप इसी जगह जाइए, वो इंग्लिश में बोलने लगते हैं, बंदे को आ नहीं रही है तो या करने लगते हैं, या आप आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे, एक सेंस ऑफ डिफरेंस क्रिएट हो गया, एक डिस्टिंक्शन क्रिएट हो गया कि उसने एक लैंग्वेज का बैरियर। वहीं पर अगर वो इंसान यही बोल देता सर यहीं खाओगे बैठ कर या घर लेकर जाओगे, तो आप देख रहे हैं एक अगेन सेंस ऑफ आइडेंटिफिकेशन होती, वहां भाषा उसको जोड़ देती, पर इंग्लिश में बोलने से सर वुड यू लाइक टू हैव इट हियर और टेक इट अवे, इस कहने से क्या हो गया, एक दूरी क्रिएट हो जाती है, यहाँ पर एक डिफरेंस क्रिएट होता है कि यार मैं कोई ऐसी जगह आ गया हूँ जहाँ मैं कंफर्टेबल फील नहीं कर रहा हूँ। इसलिए देखेंगे हाँ इंसान को लगेगा नहीं नहीं हमें कम ना लग जाऊं, मैं कहीं गरीब ना लग जाऊं, मैं कहीं अनसिविलाइज ना लग जाऊं। तो ये जो भाषा का रोल है कि हाउ इट डिफरेंशिएट्स अस एंड हाउ इट इंटीग्रेट्स अस, ये नजर आता है। और फ्रांस फेनो इसी एंगल, इसी एस्पेक्ट ऑफ लैंग्वेज को कैप्चर कर रहे हैं उसके अलग अलग नुआंसेस में कि हाउ द फ्रेंच कॉलोनाइजर एंड द पीपल एंड द कॉलोनाइज्ड पीपल ऑफ द मार्टिनिक आइलैंड you know have differences based on the language, किस तरह से फ्रेंच लैंग्वेज को एक पेडेस्ट्रियल पे रखा जाता है, वहीं पर जो मार्टिनिक लोगों की अपनी भाषा, अपनी नेटिव लैंग्वेज, उसको लुक डाउन अपॉन किया जाता है, उसे वल्गर समझा जाता है, उसे गलत समझा जाता है, ताकि इतनी हद तक कि वहां के जो लोग हैं वो अपनी भाषा से घृणा करने लगते हैं, अपनी भाषा को बोलने में उन्हें शर्म आती है। ये बिल्कुल कुछ कुछ वैसे कि इंग्लिश का जो दबदबा भारतीय समाज पर है वो इतना ज्यादा है कि भारतीय लोग अपनी मादरी जबान है, अपनी मदर टंग बोलने में उन्हें शर्म आती है, वो अपनी मदर टंग ढंग से नहीं बोल पाते, बल्कि उन्हें लगता है कि अगर कोई अपनी मदर टंग बोल रहा है तो वो बहुत सिविलाइज नहीं है, वो पिछड़ा हुआ है, छोटा इंसान है, और इंग्लिश बोलता है तो चाहे वो इंग्लिश में कुछ भी अनशंड बोल रहा हो लेकिन वो इंग्लिश बोल रहा है, तो उसके पास एक स्टेटस, एक पावर। और मैं आपको बताता हूं भारत में तो एक बड़ा विचित्र सा फिनोमिनन मैंने ऑब्जर्व किया है, बहुत अजीब सी चीज लोग करते हैं, और वो है कि जो लोग इंग्लिश सीख जाते हैं बोलना, खासतौर पर यंगर जनरेशन में, जो जितना ज्यादा इंग्लिश को मास्टर कर लेते हैं, बोलने लगते हैं आम बोलचाल में, वो ना सिर्फ अपनी मादरी जबान, अपनी मदर टंग, ना सिर्फ एक घृणा की भावना से कि बोलते ही नहीं, बल्कि उनको लगता है हम टूटी फूटी बोलेंगे तो बड़ी अच्छी लगती है, बड़ी कूल लगती है अगर हम अपनी मादरी जबान टूटी फूटी बोलते हैं, जिससे ये दिखता है कि हम इंग्लिश बड़ी मास्टर कर चुके हैं। तो आप देखेंगे वो इंग्लिश को दिखाने के लिए दैट वी आर लर्निंग दैट लैंग्वेज, दैट रेवरेंस फॉर इंग्लिश कम्स एट द कॉस्ट ऑफ स्पीकिंग योर ओन मदर टंग वेरी इनआर्टिकुलेटली। आप उसको बिल्कुल ठीक नहीं बोलते, उन्हें लगता है हम जितना ये खराब से बोलेंगे, जितनी अजीब सी बोलेंगे, उतना दिखेगा कि हम इंग्लिश कितनी अच्छी बोलते हैं। बोलते हैं अरे यार हिंदी तो ऐसी हो गई, पर क्योंकि ना इंग्लिश के असर हैं। तो मैं एक मिसाल देता हूँ आपको, जैसे कुछ लोग हैं मैंने देखे हैं वो बोलते हैं हिंदी तो बोलने लगेंगे मे को ये करना है, मे को वो जाना है, मे को ये नहीं चाहिए, तो आपको लगता है मे को कोई वर्ड नहीं है, मुझे वर्ड है, आप मुझे बोल सकते हैं, आपकी जीभ नहीं कटी हुई है कि आप मे को कर रहे हैं, मुझे वर्ड है हिंदी में तो आप मुझे ठीक से बोलिए।
दूसरी चीज आप बोलेंगे, कुछ लोग आप देखेंगे बोलेंगे हमने ये बेक दिया, ये बेक देंगे वहां पर, वो बेक देंगे। अरे बेक दे वर्ड क्यों है, कोई वर्ड ही नहीं है आपकी भाषा में, ठीक ठाक वर्ड है बेच देंगे, च की आवाज बोलो ना भाई, तुम बेच देंगे बोलो, वो बेच दे नहीं बोल रहे हो, बेक देंगे बेक देंगे, अपनी भाषा ढंग से नहीं बोलते। और उन्हें लगता है अगर हम अपनी भाषा ढंग से नहीं बोल रहे हैं, ये एविडेंस ये दिखा पा रहा है कि हम इंग्लिश बहुत अच्छी बोलेंगे। बेसिकली देखेंगे फेनो भी यही कह रहे हैं कि द मोर यू आर डिस्टेंसिंग योर सेल्फ फ्रॉम योर ओन कल्चर, आप अपने कल्चर को, अपनी भाषा को, क्योंकि भाषा कल्चर का ही हिस्सा है बल्कि सबसे इंपॉर्टेंट व्हीकल ऑफ कल्चर है, हम अपने कल्चर से जितना हम उसको खराब बोलेंगे इसका मतलब हम उतना वाइट हो रहे हैं, उतने अंग्रेज से अपने आप को एसोसिएट कर पा रहे हैं, उतना हम वेस्टर्न कल्चर को एसोसिएट कर पा रहे हैं एट द कॉस्ट ऑफ आर कल्चर, एट द यू नो उसको बिगाड़ कर बोलना है हमें। तो ऐसा क्यों होना चाहिए, इन द सेंस व्हाई शुड वी स्पीक आवर लैंग्वेज, गलत क्यों बोले उसे, ठीक है उसमें शब्द आप बोल सकते हो बट फिर भी हमें लगता है कि वो ज्यादा कूल लगेगी अगर हम थोड़ी खराब हिंदी बोलते हैं, खराब हिंदी बड़ी इंटरेस्टिंग लगती है, ऐसा नहीं है। तो लैंग्वेज डिक्टेट्स द पावर इक्वेशन इन सोसाइटी, लैंग्वेज की अपनी एक डायनेमिक्स है, लैंग्वेज की अपनी एक हायरार्की है, एक ऊंच नीच है हायरार्की, जैसे जाति व्यवस्था है ना वैसे भाषाओं की भी एक व्यवस्था है। इस टॉपिक पर फ्रांस फेनो का ये ऐसे है द ब्लैक मैन एंड द लैंग्वेज, इन विच इट टॉक्स अबाउट हाउ द कॉलोनाइजर जो फ्रेंच इंसान है वो उन कैरेबियन आइलैंड्स के अंदर भाषा को यूज करता है अपना दबदबा जमाने के लिए, अपनी एक सेंस ऑफ अथॉरिटी, एक हेजीमनी बनाए रखने के लिए। तो इन सब क्वेश्चंस पर हम बात करेंगे। और इंटरेस्टिंग चीज क्या है, ये चीज फेनो ने भी ऐसे में कही है इस ऐसे के अंदर कि मैं भले ही मार्टिनिक आइलैंड्स के लोगों के बारे में बात कर रहा हूं लेकिन ये बात दुनिया के जितने भी कॉलोनाइज देश रहे और उनके जो नागरिक हैं उन पर भी बराबर लागू हो सकती है। यानी ऐसा नहीं है कि अगर फ्रांस फेनो सिर्फ मार्टिनिक आइलैंड के लोगों के बारे में बात कर रहे हैं या फ्रेंच एल्जियर्स के अंदर रहने वाले कॉलोनाइज लोगों के बारे में बात करें, अगर आप यही ऐसे भारत में भी पढ़ोगे तो आपको रेलेवेंट लगेगा, यही ऐसे आप पाकिस्तान में पढ़ोगे आपको रेलेवेंट लगेगा, बांग्लादेश में पढ़ोगे आपको लगेगा, आपको चीन में रहोगे पढ़ोगे लगेगा, आप अफ्रीका में रहोगे तो आपको लगे, क्योंकि जो भी इंसान कॉलोनाइज्ड हुआ है या उसके देश में कॉलोनाइजेशन का असर रहा है वो इस ऐसे से रिलेट करेगा। क्योंकि देखिए चाहे फ्रेंच कॉलोनाइजर कोई भी हो, चाहे फ्रेंच हो, इंग्लिश हो या जर्मन हो, लेकिन उन सबकी जो बेसिक फिलॉसफी थी, जो आइडियोलॉजी थी उसके पीछे की, वो एक जैसी है कि हम ग्रेट हैं, वी हैव द व्हाइट मैंस बर्डन, व्हाइट्स और ब्लैक्स का जो रिश्ता है वो हर तरह की कॉलोनाइजेशन में आपको नजर आएगा। इसलिए फेनो ये मानते हैं और ये ठीक कहना है उनका कि बाकी लोग भी कॉलोनाइज लोग इससे रिलेट करेंगे। एज एन इंडियन जब मैं इस ऐसे को पढ़ रहा था तो इवन दो आई कुडंट रिलेट टू द एग्जांपल्स विच फेनो वाज शेयरिंग ऑफ द मार्टिनिक आइलैंड जहां पर वो पैदा हुए थे, अपने होम टाउन या अपने होमलैंड की, बट आई विल गिव यू एग्जाम्पल्स फ्रॉम माई पर्सनल एग्जाम्पल जिससे मैंने देखा है कि आज भी भारत के अंदर इतने साल हो गए हमें आजाद हुए, मोर देन 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस एंड स्टिल वी सी ऑल दीज थिंग्स हैपनिंग, ऑल दीज यू नो पावर इक्वेशंस। आज भी हम भले ही पॉलिटिकली डीकोलोनाइज हो गए, पॉलिटिकली अंग्रेज चले गए हैं, पर मेंटली वी आर स्टिल कॉलोनाइज, मेंटली आज भी दिमाग के अंदर वो अंग्रेज को देखकर जो इज्जत की भावना है, इवन दो वो सिर्फ जस्ट बिकॉज वो अंग्रेज है, जस्ट बिकॉज इज अ व्हाइट पर्सन, वी हैव दैट सेंस ऑफ रेवरेंस, दैट सेंस ऑफ रेवरेंस फॉर द इंग्लिश लैंग्वेज, दैट सेंस ऑफ रेवरेंस फॉर द इंग्लिश पॉलिटिकल सिस्टम, एनीथिंग, किसी भी कोई भी चीज जो विदेश की है उसके लिए हमारे दिल में एक अलग ही ना लखते जिगर है, वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। और ये जो कॉलोनाइज लोगों का मोहब्बत है, जो रेवरेंस है, जो इतनी इज्जत है, जो ऑब्सेशन है कॉलोनाइजर की भाषा से, जब वो भारत में नजर आता है इंग्लिश को लेकर ऐसा रवैया हमारे यहाँ पर है। जैसे मैं आपको दो मिसालें देता हूँ, इतनी फनी मिसालें हैं, मतलब इतना फनी एग्जाम्पल है, हाउ एब्सर्ड दे आर। फॉर एग्जाम्पल पहली मिसाल देखिए, जैसे इंडिया के अंदर है, नॉर्थ इंडिया का एग्जाम्पल ले लेते हैं, जिसके अंदर मान लीजिए जो मिडिल क्लास पेरेंट्स है जो अपने बच्चों को अंग्रेजी पढ़ाते हैं और चाहते हैं उनका बच्चा फट 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 अंग्रेजी में बोले ना, जिनके लिए वो कोर्स करा लेते हैं 10 दिन में अंग्रेजी सीखे, 15 दिन में अंग्रेजी सीखे, तो उनको है कि इंग्लिश की बहुत है, तो बच्चे को इंग्लिश मीडियम स्कूल में भेजा जाए कि इंग्लिश इंग्लिश बोले बच्चा, हिंदी तो बोले ना। तो देखेंगे आमतौर पर बच्चा घरों के अंदर हिंदी बोलता होता है, मादरी जबान नॉर्थ इंडिया के अंदर घरों में हिंदी है, तो मम्मी पापा सबसे घर में हिंदी चल रही है। बट किसी दिन घर के अंदर मेहमान आते हैं या पेरेंट्स कहीं बाहर ले जा रहे हैं, खासतौर पर से बॉस बॉस के यहाँ या फैमिली या मीटिंग्स के अंदर या ऑफिस की किसी मीटिंग में, तो अब देखेंगे पेरेंट्स खासतौर पर बच्चों को इंस्ट्रक्शन देते हैं, देखिए बॉस आ रहे हैं मेरे या मैं उनके घर जा रहा हूँ, वहाँ इंग्लिश में ही बेटा बात करना, वहाँ इंग्लिश में अंकल से बातें करना, यू नो फिर वो बच्चों को क्लीशेड सी 4-5 लाइनें चिपका देते हैं कि हेलो हाउ आर यू, गुड मॉर्निंग, एंड यू नो हाउ डू यू डू, आई एम फाइन, थैंक यू, ये सब भाषा है बच्चों को, बच्चे को 2-3 पोएम रटवा देते हैं जो बच्चे को वहाँ जाकर वो बुलवाने वाले हैं, तो बच्चा समझ जाता है ये चीज। देखिए इसी को कहते हैं इम्प्लिसिटली आप बच्चे को सिखा रहे हो कि इंग्लिश इज द पावर ऑफ इंपॉर्टेंस, इंग्लिश इज द लैंग्वेज ऑफ इंपॉर्टेंस, इंग्लिश की एक बहुत दबदबा है उसका, उसकी एक स्पेशल स्टेटस है जो हिंदी की नहीं है। हिंदी तो अपनी वही पुरानी घर में बोलने वाली है बेटा, घर की जबान है, पर जहां पर दिखाना हो, जहां शो करना हो कि मैं कितना पढ़ा लिखा हूं, मेरा स्टेटस क्या, तो बच्चा समझ जाता है कि जो भाषा है अंग्रेजी ये कुछ अलग है, इसको जब बोलते हैं तो लोग अलग रिएक्ट करते हैं, लोग शाबाशी ज्यादा देते हैं। तो एक तो ये मिसाल है जो घरों में आपको नजर आएगी कि पेरेंट्स
करते हैं ऐसी चीजें कि बाहर ले जा रहे हैं, तो बेटा वो नहीं था घर के कपड़े बाहर के कपड़े। वैसे भाषाओं को भी हमने कपड़ों की तरह बांटा हुआ है कि घर की भाषा और बाहर की भाषा, खासतौर पर ऐसे लोगों के साथ भाषा जो भैया अपर क्लास है, उनके आमने गरीब ना लेंगे तो लगे ना कि मेरा बच्चा की भैया जो पैसा मिल रहा है मुझे बॉस से वो ऐसे जा रहा है, वो मेरे बच्चे को इंग्लिश सिखा रहा हूं मैं। एक तो ये, दूसरी मिसाल तो और ज्यादा एब्सर्ड है। इसके बारे में मैंने अपने फेसबुक पेज पर अभी रिसेंटली हाल ही में लिखा कि मैं जयपुर गया था, उसके अंदर एल्बर्ट हॉल वहां फेमस जगह है, मॉन्यूमेंट है, वहां गया। तो आप देखेंगे मॉन्यूमेंट एल्बर्ट हॉल की बात नहीं, जनरली आप भारत में किसी मॉन्यूमेंट पर जाएंगे वहां पर आप देखेंगे कोई अंग्रेज आ जाए, बस एक गोरा अंग्रेज, व्हाइट फॉरनर आ जाए, क्योंकि ब्लैक तो हमारे लिए फॉरनर होते नहीं है ना, तो हमारे लिए व्हाइट इज इक्वल टू फॉरनर। कोई अंग्रेज आ जाए किसी जगह पर, आप देखेंगे भारतीय लोगों की एक भीड़ होती है जो फॉरनर को घेर लेती है, ऐसे कर देंगे जैसे प्रिंस चार्ल्स भारत आ गया हो, इस तरह का माहौल है। इतना सेंस ऑफ रेवरेंस है, एक उनकी आंखों में इज्जत है कि बस इस अंग्रेज के साथ एक फोटो हो जाए, इस अंग्रेज के साथ में एक वीडियो बना लूं, एक ब्लॉग बना लूं, और किसी तरह से ये अंग्रेज मेरे साथ हाथ हाथ मिलाने के लिए बेताब रहते हैं लोग। कोई फिल्म स्टार सिर्फ टूरिस्ट है उसको ऑकवर्ड कर देंगे लोग, वो खुद घबरा जाते हैं इतनी भीड़ इकट्ठी क्यों हो गई मेरे साथ। पर आप देखेंगे ये जो है ना फिनोमेना बड़ा फैसिनेटिंग मुझे लगता है, इसमें मैंने लिखा तो आप देखेंगे वो जो अंग्रेज है वो हमारे लिए क्या बन जाता है कि ये है इंसान ऐसा होना चाहिए, वो आइडियल है हमारे लिए कि दिस इज व्हाट अ ह्यूमन शुड बी लाइक, दिस इज व्हाट अ पर्सन शुड बी लाइक, ये है जो हमें बनना है। हम उसको अपना रोल मॉडल बना लेते हैं, मॉन्यूमेंट को छोड़ो सब उसी के साथ तस्वीर खिंचाने लगते हैं। तो आप देख पा रहे हैं ये जो एक सेंस ऑफ है ना कि भैया भगवान के बाद अंग्रेज ही हमारे लिए, ये आपको वहां नजर आ, तो फोटो वोटो आपको खींचने लगेंगे, सर वन फोटो ऐसी करने लगेंगे, कोई लड़की आ जाए तो और दीवाने हो जाते हैं यहाँ पर लोग, और उसके बाद फेसबुक पर अपने शेयर करेंगे वन मेट माय फ्रेंड फ्रॉम इंग्लैंड, यानी वो दिखाना चाहते हैं। देखिए बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है कि जब वो अपने घर जाएंगे, जहां पर भी लौट कर आएंगे, गांव जाएंगे, शहर लौटेंगे, वो दिखा पाएंगे कि देख रहे हो अंग्रेज से फोटो खिंचाई, दोस्त था मेरा वहां मिल गया, फ्रेंडशिप हो गई हमारी, यानी वो अपने एरिया में उसका एक लेवल हाई अप हो गया, अपने दोस्तों में उसका लेवल हाई अप हो गया, जस्ट बिकॉज ही नोज अ फॉरनर, जस्ट बिकॉज ही इज एसोसिएटेड विद उस अंग्रेज के साथ, एक एसोसिएशन ही उसे एक पावर दे देता है, एक स्टेटस दे देता है समाज के अंदर। एंड यही चीज फेनोक्रिटिक कर रहा है, दिस सेंस ऑफ यू नो कि ब्लैक मैन के लिए जो कॉलोनाइज इंसान है उसके लिए कॉलोनाइजर जो है वो है भैया लेवल, दैट इज व्हाट वी वांट टू अचीव। हमारे अपने कोई लेवल नहीं है, हमारे अपना कोई वो नहीं है, हमारे गोल्स नहीं है, दे आर द गोल फॉर द व्हाइट मैन इज द डेस्टिनी फॉर अस, यही चीज आपको नजर आती है, यही फेनो क्रिटिक कर रहे हैं। आप देखिए कितना रेलेवेंट लगता है कि लगता है फेनो इज सो रेलेवेंट टूडे, विच इज वेरी फैसिनेटिंग। तो मैं अपने इस बात के अंदर भी हम बातचीत और आगे करेंगे, मैं आपको रेलेवेंट एग्जांपल्स आज के भारत से दूंगा, एंड आई फील पीपल हु आर लिसनिंग टू मी स्पेशली इन इंडिया विल रिलेट टू दैट, एंड दैट इज अ वेरी फैसिनेटिंग थिंग। सी फेनो 1950s और 60s के दौर में बहुत एक्टिव रहे और लिख रहे थे, ऑन ओवर द टाइम फिर उनकी मौत के बाद, वो काफी जल्दी उनकी मौत हो गई, ही डिडंट लिव वेरी लॉन्ग, ही हैड ल्यूकेमिया ब्लड कैंसर, बट उन्होंने जितना भी कुछ लिखा तो उनकी मौत के बाद उनको इतना पढ़ा नहीं गया। कभी इस पर डिस्कशन करेंगे व्हाई वाज नॉट फेनो रेड सो मच आफ्टर हिज डेथ, बट दैट यू नो द इंटरेस्टिंग थिंग अबाउट द फैसिनेटिंग थिंग इज दैट दैट नाउ पीपल आर गोइंग बैक टू फेनो, नाउ पीपल आर यू नो अंडरस्टैंडिंग फेनो, स्पेशली आज की दुनिया में जब एक फिर से एक पॉलिटिकल सिचुएशन, जिस तरह की टेंस पॉलिटिकल सिचुएशन आप दुनिया में देख रहे हो, हाउ वेस्ट इज अगेन इंटरवीनिंग विद द ईस्ट, स्पेशली इसराइल फिलिस्तीन के पर्सपेक्टिव में आप जब देख पाते हो, एंड हाउ द वेस्ट स्टिल डिसाइड्स आवर कल्चर, हाउ वेस्ट डिसाइड्स द ग्लोबल कल्चर, और इन आज के कंटेक्स्ट के अंदर जब आप देखते हो किस तरह से आज के ग्लोबलाइजेशन के दौर में, लिबरलाइजेशन के दौर में, यू अंडरस्टैंड दैट फेनो बिकम्स इंपॉर्टेंट, फेनो की जो थ्योरी है वो रेलेवेंट होने लगती है, एंड दैट्स व्हाई अ लॉट ऑफ एकेडमिक क्रिटिक्स एंड पीपल आर गोइंग बैक टू फेनो, एंड वी शुड टू, इन विच और उसी दिशा के अंदर आई एम मेकिंग दिस वीडियो, सो दैट वी अंडरस्टैंड हाउ थिंग्स हैपन, एंड आपने वो चीजें देखी होंगी बट आप उसको आर्टिकुलेट नहीं कर पा रहे, इसलिए फिलोसफर्स वहां काम आते हैं, राइटर्स काम आते हैं, राइटर्स वेरी पॉलिटिकली यू नो अवेयर, पॉलिटिकली रेलेवेंट, एंड कितनी खूबसूरती से उन्होंने रेसिज्म का वो एंगल हमें प्रेजेंट किया जो आज तक किसी ने, उस समय तक किसी ने नहीं किया था। यू सी कॉलोनियलिज्म का जो एक्सपीरियंस था और कॉलोनियलिज्म को जो लोग समझ रहे थे, तो लोग आपने देखा होगा पॉलिटिकली कॉलोनाइजेशन को समझते हैं कि जैसे अंग्रेज आए थे उन्होंने पॉलिटिकली ये चेंजेस किए, ये सब्सिडरी अलायंस ले आए थे, उसके बाद आप देखेंगे उसके बाद डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स है, इस तरह से हमारे पॉलिटिक्स सिस्टम को बदल रहे थे, फ्यूडलिज्म जाने लगा था, राजा रजवाड़े हटने लगे, नवाबी हटने लगे, मोनार्की हटने लगी, ये सी दिस इज द पॉलिटिकल इंपैक्ट ऑफ कॉलोनियलिज्म, जो अपने बेहद जरूरी होगा आपके लिए पढ़ना, जो अपने बुक्स में, हिस्ट्री की बुक्स में, स्कूल टेक्स्ट बुक्स एंड ऑल में पढ़ा होगा। दूसरा होता है इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन ऑफ कॉलोनियलिज्म, ये भी आपने कई दफा पढ़ा होगा, खासतौर पर वो एक किताब है द एरा ऑफ डार्कनेस जो शशि थरूर ने लिखी है, और उनकी वो स्पीच हुई थी डज ब्रिटेन ओ रेपरेशंस इन इंडिया, जो उन्होंने ऑक्सफोर्ड यूनियन में दी, उसके बाद आप देखेंगे उस पर भी किताबें कई लिखी जाने लगी, और उसको लेकर भी लोग अब समझने लगे कि इकोनॉमिकली आर्थिक तौर पर किस तरह से कॉलोनाइज देशों को
कॉलोनियलिज्म ने, एक उपनिवेश जब बन जाता है देश आपका, कॉलोनी बन जाती है, तो किस तरह से इकोनॉमिकली आप एक्सप्लॉइट होते हो। बट फेनॉ की खूबसूरती और फेनॉ की जीनियस ये है दैट ही डज नॉट केयर अबाउट ऑल दिस पॉलिटिकल इकोनॉमिक, इन द सेंस डज नॉट केयर का मतलब ही नहीं कि इज नॉट अवेयर ऑफ देम, ही इज लाइक ठीक है वो तो है ही, पर वो इफेक्ट्स है बुनियादी तौर पर जो दिक्कत है, जो बुनियादी तौर पर कॉलोनियलिज्म का घाट है, जो बुनियादी तौर पर कॉलोनियलिज्म का जख्म है, वो ये एक्सटर्नल पॉलिटिकल इकोनॉमिक सोशल यानी सामाजिक तौर पर भी एक्सटर्नल है, वो तो बाहर नजर आ रहा है, पर बुनियादी तौर पर कॉलोनियलिज्म की जो प्रॉब्लम है, जो इनहेरेंट फ्लॉ, जिसलिए इट इज वन ऑफ द वर्स्ट सिस्टम्स ह्यूमंस हैव क्रिएटेड इन द इन हिस्ट्री ऑफ ह्यूमैनिटी, इज ऑफ इट्स साइकोलॉजिकल इंपैक्ट, कि वो मानसिक तौर पर कैसे हमें इंपैक्ट करता है, वो मानसिक तौर पर साइकोलॉजिकली मेंटली किस तरह से हमें आप जी मेंटली हमें कमजोर बना देता है, मेंटली कैसे कॉलोनाइजर को जिस पर आप कब्जा कर रहे हो उसका पॉलिटिक्स तो आप चेंज कर ही रहे हो, इकोनॉमिक्स उसकी आर्थिक व्यवस्था, उसके पैसे आपने कम कर दिए, उसको भुखमरी में छोड़ रहे हो, उसको सामाजिक तौर पर उसके धर्म, उसके यू नो लॉज, इन सब में भी आप चेंज कर रहे हो, बट सबसे गहरा जो चेंज है जिस पर कोई नोटिस करता नहीं और जिस पर करना चाहिए और जो सबसे यू नो प्रोफाउंड है, वो है साइकोलॉजिकली कैसे उसके दिमाग पर आप असर करते हो, हाउ अबाउट हिज सेल्फ कॉन्सेप्ट, कैसे उसमें एक इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स आप पैदा कर देते हो कि वो अपने आप को, अपने कल्चर को, अपनी सभ्यता को, अपनी भाषा को ही क्वेश्चन करने लगता है, किस तरह से उसे अपने आप से नफरत होने लग जाती है, किसी तरह से वो अपने आप से दूर हो जाता है, किस तरह से अपने आप से एलियनेट हो जाता है। तो साइकोलॉजिकल इंपैक्ट ऑफ रेसिज्म, साइकोलॉजिकल इंपैक्ट ऑफ कॉलोनियलिज्म, तो फेनॉ की खूबसूरती है कि वो एक साइकोलॉजिकल एनालिसिस देते हैं रेसिज्म का, कि मन में क्या चल रहा था लोगों के। एक कॉलोनाइज्ड इंसान, जो कॉलोनाइज्ड प्रजाति है, जब उसके इंटरव्यूज उन्होंने लिए, कि मैंने आपको बताया था वो एक साइकाइट्रिस्ट थे, साइकोलॉजिस्ट थे, तो वो उनकी प्रैक्टिस थी, एक प्रोफेशनल साइकाइट्रिस्ट थे वो, तो ही यूज टू इंटरव्यू पीपल, ही यूज टू मीट पीपल एज पार्ट ऑफ हिज प्रैक्टिस, एंड यूज टू यू नो स्पेशली दोज पीपल हु वर कॉलोनाइज्ड, especially like blacks हो गए या मार्टिनिक पीपल हो गए, उन लोगों को इंटरव्यू करते थे, एंड यूज टू रियलाइज कि कॉलोनियलिज्म से इनके मन में भी चेंज आ गया, इनके सेल्फ कंसेप्ट में चेंज आ गया, अपने आप को कैसे देखते हैं, इनकी आइडेंटिटी में चेंज आ गया, दे हैव स्टार्टेड यू नो इमेजिनिंग themselves इन अ डिफरेंट वे, वो डिसेंटर्ड हो गए हैं, उनके जो अपने कल्चर, अपनी चीजें, जो अपने सोर्सेज ऑफ आइडेंटिटी थे, जो अपने लोकस ऑफ आइडेंटिटी थे, उससे दूर होने लगे, जो कि उनके हिसाब से सबसे बड़ा नुकसान था। एक तो ये हो गया पक्ष। दूसरा पक्ष आप देखेंगे फेनॉ के अंदर जो बड़ा इंटरेस्टिंग है वो ये है कि नॉट ओनली डज ही मेक अस फोकस ऑन द साइकोलॉजी ऑफ द कॉलोनाइज्ड, कि जिस जो कॉलोनाइज हो रहा है इंसान, मान लीजिए मार्टिनिकी का इंसान हो गया, भारत का इंसान हो गया या अफ्रीका का हो गया, उसकी साइकोलॉजी पे तो जो नेगेटिव इम्पैक्ट है वो तो है ही है। वो कहते हैं कि जो कॉलोनाइजर यानी जो अंग्रेज है भैया, जो गोरा इंसान है, उसकी साइकोलॉजी पर भी असर पड़ता है, उसको उसके मन में क्या चेंज आता है, उसको भी वो नेगेटिवली इम्पैक्ट कर रहा है। इट्स लाइक रेसिज्म और कॉलोनियलिज्म, व्हेन इट इंपैक्ट्स, उसका बुरा इंपैक्ट भैया कॉलोनाइज्ड पर तो है ही, जिस पर हो रहा है, जिसका देश कॉलोनाइज कर रहे हो, उसकी साइकोलॉजी तो आप बिगाड़ ही रहे हो, उसको तो साइकोलॉजिकली आप ट्रॉमेटाइज कर ही रहे हो, उसकी जिंदगी का वो ट्रॉमा तो नहीं जाएगा, पर जो कॉलोनाइज कर रहा है, जो यूरोप का बंदा है, उसकी भी साइकोलॉजी डिस्टर्ब हो रही है, वो भी परेशान हो रहा है। इट्स लाइक सेइंग अगर मैं किसी इंसान को मारता हूं या किसी की हत्या करता हूं, तो वो जो इंसान है उसकी या किसी को डराता हूं, तो उसकी साइकोलॉजी तो मैं डिस्टर्ब कर ही रहा हूं, बट आई एम ऑल्सो हर्टिंग माई ओन सेल्फ, मैं अपने आप को भी नुकसान पहुंचा रहा हूं। तो फेनॉ की ये इंटरेस्टिंग चीज है, नॉट ओनली डज ही मेक अस फील सिंपथेटिक टुवर्ड्स द कॉलोनाइज्ड पर्सन, की उसकी साइकोलॉजिकल इंपैक्ट क्या है, उसका ट्रॉमेटाइजेशन लेवल क्या है, वो किस हद तक डिस्टर्ब हो गया मेंटली, किस हद तक वो अपने आइडियाज, अपने आप से, अपने आसपास से दूर हो गया, बल्कि जो कॉलोनाइजर है वो भी कहीं खुश नहीं है। इट्स लाइक द सेम आर्ग्यूमेंट विच पीपल गिव अगेंस्ट सेक्सिज्म, कि जो सेक्सिज्म है लड़का लड़की में जेंडर के बेसिस पर भेदभाव करना, वो ना सिर्फ लड़कियों को घाटा पहुंचाता है बल्कि आदमियों को भी उससे घाटा पहुंचता है, बिकॉज वो भी अपने इमोशंस नहीं एक्सप्रेस कर पाते, वो औरतों को कंपार्टमेंटलाइज नहीं करते, खुद को भी कंपार्टमेंटलाइज कर बैठते हैं। तो इट्स द सेम आर्ग्यूमेंट। एंड आई सी अगर आप फिलोसफी पढ़ते हैं, आप देखेंगे सॉक्रेटीज ने जो डायलॉग्स हैं उसके, जो प्लेटो ने लिखे रिपब्लिक में, जब बात होती है स्टार्टिंग जो बुक वन है रिपब्लिक की, उसके अंदर सॉक्रेटीज ये बात कर रहा था अबाउट द वायलेंस, कि वायलेंस किसी इंसान को बेहतर नहीं बना सकता। तो ये सेम आर्ग्यूमेंट है जो फेनॉ ले रहे हैं, बिकॉज सॉक्रेटीज उसमें यही कहता है कि अगर आप किसी को मारते हो तो ना सिर्फ उसकी सोल हर्ट होती है बल्कि आपकी सोल भी डीके होने लगती है, आपकी सोल भी वाउंडेड हो जाती है, आप भी नुकसान में आते हो, क्योंकि मारकर आपको भी सुकून तो मिल नहीं रहा है, आप भी साइकोलॉजिकली disturbed though, which is a very fascinating idea which Fanon takes and applies it in context of colonialism of the 20th century. बीसवीं सदी की आप देखेंगे 1945 के बाद, वर्ल्ड वॉर टू के बाद दुनिया डीकोलोनाइज होने लगी, और उसी समय पर Fanon ये लिख रहे हैं किस तरह से colonial relations कैसे काम करते हैं। But he is more interested not
इन द बिगर पॉलिटिकल सोशियो इकोनॉमिक फोर्सेस बट इन द ऑन द इंडिविजुअल, इंडिविजुअल के मन में क्या चल रहा होता है, इंडिविजुअल कैसे उसे एक्सपीरियंस कर रहा है, व्हाट आर द साइकोलॉजिकल इंपैक्ट्स, द साइकोलॉजिकल डेवेस्टेशन रेड बाय द अबोमिनेबल फोर्स ऑफ कॉलोनियलिज्म, एंड यू विल सी इट इज बिकॉज ऑफ दीस passionate, subversive and even polemical ideas of Fanon that he became very influential on other thinkers. And he's a bahut important hai, he is a very important thinker of the post-colonial discourse, of the decolonization idea, the ideas of decolonization and post-coloniality, usme bahut important hai. Unhone balki aage jaakar aap dekhenge, Homi Bhabha ko influence kiya. He even influenced Jean-Paul Sartre, jo unke contemporary bhi the, aur jinhone bahut important foreword likha hai Wretched of the Earth ka, but he was influenced by Fanon. And later, one of the most important thinkers, which I like a lot, is Edward Said, aur aapne unki kitab Orientalism, agar nahi padhi, to please padh lijiye. Orientalism kitab ki jo inspiration hai, and Said had said it himself, ki wo unhone Fanon ke ideas ko put kiya, and understanding how in the Middle East ke andar kaise colonialism kaam karta hai, kis tarah se culturally unko misrepresent किया जाता है. तो एडवर्ड सेड की जो ओरिएंटलिज्म किताबें कहते भी हैं, और ये ठीक भी बात है, वो अगर आप अगर पढ़ेंगे तो उसमें फेनों के आइडियाज आपको नजर आएंगे, हाउ द कॉलोनाइजर एंड द कॉलोनाइज्ड एंगेज विद ईच अदर, नॉट जस्ट पॉलिटिकली बट कल्चरली, ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, ऑन द बेसिस ऑफ रिप्रेजेंटेशन, ऑन द बेसिस ऑफ हाउ दे आर यू नो एंगेजिंग विद ईच अदर ऑन क्वेश्चंस ऑफ एवरीडे रियलिटी. तो ये बहुत इंटरेस्टिंग है, आप देखेंगे फेनों कैसे जुड़ते चले जाते हैं उनके आइडियाज. तो दोस्तों, इसी के साथ आज मैं वीडियो को यहीं खत्म करता हूं. मैं आपको और ज्यादा परेशान और बोर नहीं करना चाहता, बट मुझे उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से हेल्प किया होगा. एटलीस्ट इट वुड हैव पीक्ड योर इंटरेस्ट इन अंडरस्टैंडिंग एंड रीडिंग Fanon, अ थिंकर लाइक Fanon, सच फैसिनेटिंग एंड सच क्रूशियल थिंकर टू रीड एंड टू आर्टिकुलेट इन टुडेज वर्ल्ड, टू टुडेज अनइक्वल वर्ल्ड. उनके जो क्वेश्चन है लैंग्वेज को लेकर, आज भी उतने ही रेलिवेंट है जितने आज से 100 साल या 50 साल पहले थे. पर बहरहाल, जाने से पहले मैं ये कहना चाहूँगा, अगर आप मेरी वीडियोस देख रहे हैं और आप चाहते हैं हम ऐसे कंटेंट बनाते रहे, मैं और मेरी टीम, तो मोटिवेट करने के लिए हमें सब्सक्राइब टू आवर चैनल, प्रेस द लाइक बटन, प्रेस द बेल आइकॉन, ताकि इसका सेकंड पार्ट आपको जल्द से जल्द नोटिफिकेशन आपको मिल जाए. और आप मोटिवेट हमें करने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर विद योर फ्रेंड्स, सो दैट वी कीप क्रिएटिंग सच कंटेंट फॉर यू, और ऐसे कन्वर्सेशन, ऐसे डायलॉग होते रहें. आई होप टू सी यू नेक्स्ट टाइम.